सलार कहाँ है? ब्यूटीफुल तुम लोगों को पता है ना कि सलार की बीवी हूं मैं? पता है, लेकिन कब तक हो ये नहीं पता। मतलब सब वो छोड़ो, ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अब इतनी मासूम मत बन, यहां सबको सब पता है। मतलब है क्या पता है? अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे बदले में पैसे लिए होंगे ना, और कोई टाइमलाइन भी फिक्स की होगी। कितने दिन के लिए आई हो या फिर महीनों के लिए? और फिर उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें सालार से अच्छी कीमत दूंगा, उससे ज्यादा लग्जरीज दूंगा। अरे सुनो तो, खुद को बंगले ले लो। अरे यार, अरे तुम कहो तो तुम्हारे शोहर के साथ सेटलमेंट कर लो। क्या हुआ? कुछ नहीं। साला मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ना यार, कर सेटलमेंट, कर सेटलमेंट। सलार ये क्या कर रहे हो? यहाँ तमाशा नहीं करो। नहीं, इसे मुझसे सेटलमेंट करनी है ना, तो करो। मुझे तुम्हारी बीवी ने बरगलाया है। रख, मेरी बीवी मर। ठीक तो है तू? ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो? नहीं, कर सेटलमेंट। तो ठीक तो है? ना खून नहीं करना। प्लीज यार सलार, आई थिंक हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस? मेरे ही फार्म हाउस पे पुलिस बुलाओगी? और ये सब तुम्हारा ही तो आइडिया था। ये तुम्हारा आइडिया था? यू डिड दिस? सालार मैंने कुछ नहीं किया। यू नो व्हाट, यू मेस्ड अप बिग टाइम। चलो तुम चली जाओ यहां से, तुम जाओ यहां से। क्या कर दिया तुमने? जल्दी आ जाओ। ज्यादा खून बह रहा है यार तेरा, चल छोड़ यार। वो छोड़ो, ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे बदले में पैसे लिए होंगे ना, और कोई टाइमलाइन भी फिक्स की होगी।
कितने दिन के लिए आई हो या फिर महीनों के लिए, और फिर उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें सालार से अच्छी कीमत दूंगा, उससे ज्यादा लग्जरीज दूंगा। क्या करके आए हो तुम? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया मॉम, लेकिन जो मैं उसके साथ करूंगा ना। मिनिस्टर के बेटे को जख्मी किया है आपने, और आप कह रहे हैं अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया। डैड आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी वाइफ पे कोई हाथ डालता तो आप क्या करते? कुछ कसूर तो तुम्हारी बीवी का भी हो। प्लीज फॉर गॉड्स सेक। ताहिर वो पुलिस रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। फॉर गॉड्स सेक आप तो खामोश हो जाएं, प्लीज। ये तो सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, लोगों को तो हमें फेस करना है ना। ये कहीं नहीं जाएगा। तो उस लड़की के साथ रहेगा? मैं आपसे कह रहा हूँ फॉर गॉड्स सेक खामोश हो जाएं आप। मैं सिर्फ ये पूछ, आपने जो कुछ पूछना है साहिबा से पूछिए, उसको सब कुछ पता है, हमसे ज्यादा पता है। प्लीज आप रिलैक्स करें और तुम मेरे साथ आओ जरा। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा मॉम, और अगर जाऊंगा ना तो सितारा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। आप मेरे साथ आए, इधर आए, आओ आओ बेटा, अभी बात करते हैं। रियली? मैं ये झगड़ा खत्म करना चाहती हूँ ताकि आपकी डील सेफ हो जाए और हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट भी ना पड़े। डील को तो आप भूल जाएं, वो डील बिजनेस के लिए नहीं थी, वो सालार और साहिबा को एक दूसरे के करीब लाने के लिए थी। लेकिन एक छोटे से पर्सनल इश्यू की वजह से हम सोशल बॉयकॉट तो नहीं कर सकते ना। मेरी सास की इंसल्ट क्या ये छोटी बात है? कसर तो आपकी बहू ने भी नहीं छोड़ी। वैसे बिल्कुल ठीक किया उसने, जो हिम्मत आपको दिखानी चाहिए थी वो उसने दिखाई। देखिए मुझे अपने हस्बैंड को लेके कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है जो मैं घर आए हुए मेहमानों पे भड़क उठूं। उसने थप्पड़ मेरे शौहर की मंगेतर को नहीं, तुम्हारी माँ से बदतमीजी करने वाली को मारा था। एटलीस्ट इतना ऑब्वियस सच जो है वो तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। हेलो 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 नानी, क्या हो गया बेटा, रो क्यों रही हो? नानी मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों बताओ, तुझे हुआ क्या है? मुझे यहाँ से ले जाए प्लीज, आप आ जाए। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, रो क्यों रहे इतना ज्यादा, बताओ तुझे। मुझे नहीं रहना यहाँ पे नानी, आप प्लीज आके मुझे यहाँ से ले जाए।